ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सभी प्री पोजीशंस के बारे में और साथ ही साथ इनमें डिफरेंसेस जानेंगे। जैसे कि कुछ प्री पोजीशंस होते हैं जिनका हिंदी मीनिंग सेम होता है, उनके डिफरेंसेस यूज को जानेंगे और जानेंगे उनका यूज कहाँ कहाँ पर करना है, कहाँ नहीं करना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं प्री पोजीशन कहते किसे है। देखिए, प्री पोजीशन वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले रखा जाता है ताकि ये दर्शाया जा सके कि वाक्य में प्रयुक्त अन्य व्यक्ति या वस्तु से उसका क्या संबंध है। प्री पोजीशन के बिना कुछ वाक्यों को अधूरा माना जाता है। जैसे देखिए, एक सेंटेंस है, देयर इज अ पेन द टेबल। ये बिल्कुल ही गलत सेंटेंस है क्योंकि इस सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है। इस सेंटेंस का कोई सेंस नहीं है, देयर इज अ पेन द टेबल। ओके, ये सेंटेंस इस प्रकार से पूरा हो सकता है, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, मतलब टेबल पर पेन है। ओके, एक पेन टेबल पर है, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल। तो यहाँ पर जो ऑन है ये प्री पोजिशन है, बिना इसके ये सेंटेंस पूरा नहीं हो सकता। ओके, आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ। तो जो इन है वो बता रहा है कि मैं भारत के अंदर रहता हूँ, भारत में। ओके, आई एम फॉन्ड ऑफ नॉवल, मैं उपन्यासों का शौकीन हूँ। यहाँ पर ऑफ बता रहा है मैं किस चीज़ का शौकीन हूँ। ओके, ऑफ का। ओके, दे आर इन द क्लास, वे कक्षा में हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है संबंध कि जो वो लोग हैं वो क्लास के अंदर है, कक्षा में है। ओके, में है, मे के लिए हमने इनका यूज किया। इसी प्रकार से देखिए, पुट द बैग ऑन द टेबल, बैग टेबल पर रखो। तो यहाँ पर ऑन का यूज किया हमने, पर के लिए, टेबल पर। ओके, ऑन द टेबल। इसी प्रकार से आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं भारत से हूँ या मैं भारत का रहने वाला हूँ। तो से के लिए हमने फ्रॉम का यूज किया। ध्यान रहे, कुछ प्री पोजिशन का प्रयोग कई जगह होता है और इनके उनकी हिंदी इंग्लिश मीनिंग भी वाक्य के अनुसार बदल जाते हैं। कुछ प्रीपोजिशन होते हैं जिसके सेंटेंस के अनुसार उनका मतलब बदल जाता है, ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। देखिए, इसलिए सभी प्रीपोजिशन के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, मैं आप लोगों को लिस्ट दिखाऊंगा और साथ ही साथ सबके डिफरेंसेस और सारे यूज़ बताऊंगा। ओके, जो कि आप लोग कभी भी कहीं पर भी गलती ना कर सके। देखिए, जैसे देखिए, अबाउट का हिंदी मीनिंग है के पास, के बारे में, चारों ओर आदि। और इसी प्रकार कुछ प्री पोजिशन का हिंदी मतलब भी एक जैसा होता है लेकिन उनका प्रयोग अलग अलग होता है, आप समझे। आइए देखते हैं, हम प्री पोजिशन का प्रयोग और कुछ प्री पोजिशन में अंतर जानते हैं। सबसे पहले कुछ प्री पोजिशन और उनका हिंदी मीनिंग नीचे देखते हैं। ओके, देखिए, अबाउट मतलब पर, अबाउट चारों ओर, के पास के विषय में। ये सभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप लोग हिंदी मीनिंग देख लीजिए। अबाउट के ऊपर या ज्यादा होना, किस सेंस में भी हम अबाउट का यूज करते हैं। अक्रॉस के पार, आफ्टर के बाद या के पीछे, अगेंस्ट के विरुद्ध या के विपरीत, अलोंग के बगल में, के समांतर या बराबर बराबर, अलोंग का यूज करते हैं। ओके, अलोंग साइड के पास या के निकट के लिए यूज करते हैं, अमीड का यूज करते हैं, के बीच या के बीच में ही, अराउंड इधर उधर, चारों ओर या लगभग, अमंग का यूज करते हैं के बीच के लिए। ये मैं आप लोगों को अभी डिफरेंसेस बताऊंगा। अमंगस्ट का भी यूज भी करते हैं के बीच में, एज का यूज करते हैं के सामने या के रूप में, एस्ट्राइड का यूज करते हैं दोनों तरफ, एट का यूज करते हैं पर या मे के लिए, बार का यूज करते हैं को छोड़कर के सेंस में, बैरिंग का यूज करते हैं के अलावा, को छोड़ करके यूज में। ओके, को छोड़ करके ही यूज में। ओके, बिफोर मतलब से पहले, बिहाइंड मतलब के पीछे, ब्लो मतलब के नीचे या नीचे, बिनीथ का यूज भी के नीचे या नीचे, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बिसाइड्स का यूज है के अतिरिक्त, के अलावा। ओके, बिसाइड के बगल में, बिटवीन के बीच या दो दो के बीच के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं। ओके, ये भी मैं आपको बताऊंगा दो से ज्यादा के लिए बिटवीन का कैसे यूज करते हैं। ओके, बियॉन्ड का
यूज है के परे या से बाहर के रूप में, बट लेकिन परंतु बल्कि पर, बाय है के नजदीक या से या द्वारा या तक के रूप में, सिरसा है लगभग, कंसर्निंग बराबर, कंसर्निंग मतलब है के बारे में या से संबंधित, डेस्पाइट के बावजूद, डाउन नीचे, डूरिंग के दौरान या के दरमियान, एक्सेप्ट को छोड़कर के अलावा के अर्थ में, फोर के लिए, तक, तक के सेंस में भी हम फोर का यूज करेंगे, फ्रॉम से, इन वे, इनसाइड मे, इनटू मे, ये सभी डिफरेंसेस आप लोगों को देखने को मिलेगा अभी थोड़ी सी ही देर में। ओके, ऑन पर, ऑफ का के की, ओवर भरपूर या ऊपर, ऑन टो पर या मे, अपोजिट के सामने, राउंड चारों ओर या इधर उधर, सिंस चूंकि, से या तब से, देन का यूज करते हैं की तुलना में, टिल मतलब तक, टू का यूज करेंगे से के सेंस में और टू का यूज तक के सेंस में भी करेंगे, टूवर्ड्स का यूज करेंगे की ओर की दिशा में, थ्रो का यूज करेंगे के जरिए या से होकर के सेंस में, अंडर का यूज करते हैं नीचे या के अंदर, अनटिल मतलब जब तक, अप मतलब ऊपर या ऊपर की ओर, अपॉन मतलब ऊपर, वी या मतलब के जरिए या के द्वारा। ओके, विद का यूज करेंगे के साथ के सेंस में, विद इन मतलब के अंदर, विदाउट मतलब के बिना। ये सभी की पोजिशन आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगी, चाहे आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या स्पोकन इंग्लिश बोल रहे हो। टी पोजीशन नंबर वन, पहला इन, इनटू, विद इन, जिसमें तीनों का ही अर्थ होता है मे। ओके, इन तीनों में अंतर और इनका प्रयोग जानते हैं। देखिए, सबसे पहले इनका प्रयोग, इनका प्रयोग प्लेस मतलब जगह, टाइम मतलब महीना, सीजन मौसम, ईयर साल, डायरेक्शन दिशा, स्थिर अवस्था के अर्थ में, ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय, कंडीशन मतलब हालत, पहने हुए के अर्थ में या फ्रेसेस के रूप में किया जाता है। इनका प्रयोग है ये सिर्फ। ओके, ये फर्स्ट है यूज। देखिए आप, इनका प्रयोग सबसे पहले हम प्लेस मतलब जगह के लिए करते हैं। देखिए किस प्रकार से, आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। ही लिव्ड इन गुजरात, वह गुजरात में रहता था। ही वॉज बॉर्न इन इंडिया, उसका जन्म भारत में हुआ था। He lives in his village, वह अपने गांव में रहता है। इसी प्रकार देखिए, in India, in America, in Pakistan, in Gujarat, in Gorakhpur, in Lucknow, in Rajnagar, in Mumbai, etc. ओके, आप लोग समझ गए। देखिए पहला यूज जगह के लिए, अब देखिए सेकेंड यूज इनका। इनका प्रयोग टाइम मतलब महीना, सीजन, मौसम, साल के लिए, जैसे इन अ डे, ओके, एक दिन में, इन अ वीक, एक हफ्ते में, इन अ मंथ, एक मंथ में, एक महीने में, इन अ ईयर, एक साल में, इन दिस सीजन, इस सीजन में, इन दिस विंटर, इस सर्दियों में, ओके, इन दिस समर, इस गर्मी में, इन दिस ऑटम, इस पतझड़ में, इन जनवरी, जनवरी में, इन 1996 में, इन 2017 2017 में, इस प्रकार से हम इनका यूज करेंगे। देखिए एग्जाम्पल है, आई विल गो टू माई विलेज इन विंटर, मैं सर्दियों में अपने गांव जाऊंगा। आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली इन 1991, मेरा जन्म 1991 में दिल्ली में हुआ था। हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इन 1991 आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली। ओके, मतलब 1991 में मैं दिल्ली में पैदा हुआ था। इन जून आई शैल गो टू शिमला, जून में मैं शिमला जाऊंगा। अब देखिए तीसरा यूज है इनका प्रयोग डायरेक्शन मतलब दिशा के लिए, जैसे इन द ईस्ट मतलब पूर्व में, इन द वेस्ट पश्चिम में, इन द नॉर्थ, इन द साउथ, इस प्रकार से। ओके, एग्जाम्पल है, सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अब देखिए इनका प्रयोग स्थिर अवस्था के अर्थ में,
मतलब कोई चीज की कहीं पर किसी चीज में पड़ी हो उस चीज के लिए हम इनका यूज करते हैं। देखिए, वह इस कमरे में अकेली है, ही इज अलोन इन दिस रूम। बक्से में एक कप है, देयर इज अ कप इन द बॉक्स। उसकी जेब में एक पैड है, देयर इज अ पैड इन हिज पॉकेट। पार्टी में कई लड़कियां और लड़के हैं, देयर आर मैनी मैनी गर्ल्स एंड बॉयज इन द पार्टी। अब देखिए, इनका यूज ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय के लिए। वह राजनीति में है, ही इज इन द पॉलिटिक्स। वह सेना में है, ही इज इन द आर्मी। वह सेना में काम करता है, ही वर्क्स इन द आर्मी। अब देखिए, इनका प्रयोग कंडीशन मतलब हालत के लिए। वह खुशी में नाच रहा है, ही इज डांसिंग इन द इन जॉय। ओके, वह दर्द में रो रही है, सी इज क्राइंग इन पेन। वह मुसीबत में है, ही इज इन ट्रबल। वह अच्छी हालत में है, ही इज इन गुड कंडीशन। अब लास्ट लास्ट यूज है इनका पहने हुए के अर्थ में। देखिए, वह नीली साड़ी में सुंदर दिखती है, सी लुक्स ब्यूटिफुल इन अ ब्लू साड़ी। मैंने एक स्कूल की वर्दी में एक लड़की को देखा, आई सॉ अ गर्ल इन अ स्कूल यूनिफॉर्म। वह काले शर्ट में था, ही वॉज इन ब्लैक शर्ट। अब देखिए, फ्रेशर्स और अदर यूजर्स इनके। देखिए, हम कहते हैं इन फ्यूचर, भविष्य में, इन द पास्ट, अतीत में, इन प्रेजेंट, वर्तमान में, इन द मॉर्निंग, सुबह में, इन द इवनिंग, शाम में, इन द आफ्टरनून, ईटीसी। ओके, मतलब इन द आफ्टरनून मतलब दोपहर में। देखिए, एग्जाम्पल है, मैं सुबह टहलने के लिए बाहर निकलता हूँ, आई गो आउट फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं, वट डू यू वॉन्ट टू डू इन द फ्यूचर। अतीत में आपने क्या किया, वट डिड यू डू इन द पास्ट। भविष्य में सब कुछ अच्छा होगा, इन फ्यूचर एवरीथिंग विल बी गुड। अब देखिए, प्रीपोजिशन नंबर 2 है इन टू। इन टू का प्रयोग बाहर से अंदर जाने के अर्थ में या रूप परिवर्तन के अर्थ में किया जाता है। ओके, देखिए, मनोज नदी में कूद गया, मतलब मनोज बाहर था और कूद गया, मोशन हुआ, मनोज जंप इन टू द रिवर। कार में जाओ, गेट इन टू द कार। वह कमरे में गया, ही वेंट इन टू द रूम, मतलब वो कहीं और खड़ा था और कमरे में गया, मोशन हुआ। ओके, इसलिए हम इन टू का यूज कर रहे हैं। एक बस खाई में गिर गई, अ बस फेल इन टू अ डिच। अब देखिए, इनटू का सेकंड यूज है रूप परिवर्तन के अर्थ में। निम्नलिखित वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करें। ओके, निम्नलिखित वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करें, ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। क्या आप इस वाक्य को हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं, कैन यू प्लीज ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू हिंदी। तो यहाँ रूप परिवर्तन हो रहा है, इंग्लिश को हिंदी में या किसी भी चीज़ में हम रूप परिवर्तन करते हैं। देखिए, दूध पनीर में बदल जाता है, मतलब दूध जो होता है वो पनीर में बदल जाता है, तो हम कहेंगे मिल्क टर्न्स इनटू चीज। दूध दही में भी बदल जाता है या दही में बदल जाता है, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड। पानी बर्फ में बदल जाता है, वाटर टर्न्स इनटू आइस। जल वाष्प में बदल जाता है, वाटर टर्न्स इनटू वेपर। देखिए कुछ और एग्जाम्पल, वह अपने कमरे में जा रहा था, ही इज गोइंग इनटू हिज रूम। मैंने पैसे अपनी जेब में रख लिए, आई पुट द मनी इनटू माई पॉकेट। वह बाल्टी में पानी डाल रही है, सी इज पोरिंग वाटर इनटू द बकेट। वह अपने कमरे में चली गई, सी वेंट इनटू हर होम, इनटू हर रूम। रूम है ये। ओके, कमरा मतलब रूम। ओके, सी वेंट इनटू हर रूम।
ग्लास पे थोड़ा और पानी डाल दो, पोर सम मोर वाटर इनटू द ग्लास। तो इनटू के बारे में आप लोगों को पता चल गया, देखिए विद इन का यूज, ओके, मे के सेंस में और के अंदर के सेंस में। प्लेस लिमिट एंड टाइम लिमिट, मतलब कि विद इन का प्रयोग बताता है कि हमारे पास सीमित समय और सीमित जगह है, मतलब कि ज्यादा नहीं है, सीमित है, जो भी है फिक्स है, ओके। देखिए अब एग्जाम्पल है, मैं तुम्हें 2 दिन के अंदर अंदर सूचना दे दूंगा, मैं तुम्हें 2 दिन के अंदर अंदर, 2 दिन से ज्यादा नहीं होने दूंगा, तो हम कहेंगे ही, सॉरी यहाँ ही नहीं, आई आई विल इन्फॉर्म यू विद इन 2 डेज, मैं आधे घंटे के अंदर आ जाऊंगा, आई विल कम विद इन हाफ एन आवर। यहाँ 100 मीटर के अंदर 4 ATM मशीनें हैं, देयर आर 4 ATM मशीन विद इन 100 मीटर ऑफ हेयर। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि 4 किलोमीटर 100 मीटर के अंदर अंदर ही ATM मशीन है 4, ओके, उससे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, ये बात है, ओके। परिणाम, 5 दिनों के अंदर घोषित कर दिया जाएगा, द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड विद इन 5 डेज। वह कुछ ही दिनों के अंदर अंग्रेजी बोलने लगेगा, ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश विद इन अ फ्यू डेज। यहां से 1 किलोमीटर के अंदर तक कोई दुकान नहीं है, देयर इज नो शॉप विद इन 2 किलोमीटर ऑफ हेयर, या अंदर यहां से 1 किलोमीटर के अंदर या 1 किलोमीटर तक कोई दुकान नहीं है, ओके। देखिए अब प्रीपोजिशन नंबर 4, जो कि है यूज ऑफ टू। टू का यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज आप लोगों को आना ही चाहिए। इसका यूज करेंगे हम से के सेंस में, को के सेंस में, के प्रति के सेंस में, तक के सेंस में। देखिए सबसे पहला यूज हम करते हैं, किसी भी स्थान पर जाना है तो उससे पहले हम टू का प्रयोग, टू का प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है को होता है जो कि वाक्य में छुपा होता है, जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो ये को है ये छिपा रहता है, जबकि इसका मतलब होता है को। लेकिन हम कभी ये नहीं कहते जैसे कि मैं बाजार को जा रहा हूँ, ये नहीं कहते हैं, हम सीधा बोलते हैं मैं बाजार जा रहा हूँ, ओके। लेकिन हम इसे इस प्रकार बोलते हैं, देखिए मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, जबकि इसका मतलब है मैं बाजार को जा रहा हूँ, ओके। वह दिल्ली जा रहा है, ही इज गोइंग टू दिल्ली। वह स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल। देखिए नेक्स्ट है, किसी ऑब्जेक्ट से पहले भी टू का प्रयोग किया जाता है, जैसे टू हिम मतलब उसे, टू बी मुझे, टू हर, टू यू, टू देम, ई टी सी। एग्जाम्पल देखिए, मैं तुमसे बात करता हूँ, आई टॉक टू यू। वह मुझसे बात करती है, सी टॉक्स टू मी। उसने मेरे पत्र का जवाब दिया, ही रिप्लाइड टू माई लेटर, ओके। अब देखिए टू का प्रयोग के प्रति के सेंस में, हमें अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिए, वी शुड बी फेथफुल टू आवर कंट्री। उसे अपने भविष्य के प्रति जागरूक होना चाहिए, ही शुड बी केयरफुल टू हिज फ्यूचर। तुम्हें अपने काम के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू योर वर्क। अब देखिए टू का यूज तक के रूप में, ओके, टू का प्रयोग, मैं 2 बजे से 3 बजे तक पढ़ा, आई रीड, लेकिन रीड लिखा है लेकिन इसे रेड बोलेंगे क्योंकि ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, ओके। पढ़ा 2 से 3 बजे के बीच पढ़ा या तक पढ़ा, आई रेड फ्रॉम 2 AM टू 3 AM। मैं दिल्ली से गोरखपुर तक गया, आई वेंट फ्रॉम दिल्ली टू गोरखपुर। हम आगरा से दिल्ली तक जाएंगे, वी शैल गो फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। मैं दिल्ली तक गया या मैं दिल्ली गया, इसका मतलब है इंग्लिश में आई वेंट टू दिल्ली, ओके।
कुछ वर्ड जहाँ तुलना करने के लिए दैट का प्रयोग नहीं करते वहाँ टू का ही प्रयोग किया जाता है, जो है इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर और प्रीफर। इनके साथ कभी भी दैट का यूज मत करना, एकदम गलत हो जाएगा सेंटेंस। ओके, इसके साथ हमेशा टू का ही यूज होता है। देखिए, जैसे कि आप मुझसे सीनियर है, यू आर सीनियर टू मी, वह तुमसे बेहतर है, ही इज सुपीरियर टू यू, वह मुझसे जूनियर है, ही इज जूनियर टू मी, मुझे रोटी से ज़्यादा चावल पसंद है, आई प्रीफर राइस टू ब्रेड, मैं अकेला खाना पसंद करता हूँ, आई प्रीफर टू ईट अलोन। अब देखिए नेक्स्ट छठवा यूज, जब हम किसी को इनवाइट करते हैं तो वहाँ हम टू का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर एट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, जब हम किसी को इनवाइट करते हैं, ओके, उस समय हम टू का ही यूज करेंगे, ये ध्यान रखना। तुमने उसे लंच पर बुलाया, यू इनवाइटेड हिम टू लंच। उसने मुझे नाश्ते पर बुलाया, ही इनवाइटेड मी टू ब्रेकफास्ट। उसने मुझे डिनर पर बुलाया, ही इनवाइटेड मी टू डिनर। उसने उसे चाय पर बुलाया, ही इनवाइटेड हिम टू टी। अब देखिए लास्ट यूज टू का, इंट्यूटिव बनाने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले हम टू का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मुझे बाजार जाना है, आई एम टू गो टू द मार्केट। तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज कर रहे हैं, ओके, इंट्यूटिव बनाने के लिए। मेरे भाई को अपना काम पूरा करना है, माई ब्रदर इज टू कम्प्लीट हिज वर्क। सुनीता को खाना बनाना था, सुनीता वॉज टू कुक फूड। प्री पोजिशन नंबर 5 और यूज ऑफ 4 देखिए आप, इसका यूज भी बहुत ही खतरनाक है। ओके, देखिए 4 का प्रयोग, इसका यूज करेंगे रीजन मतलब कारण, काउज कारण, पर्सन किसी व्यक्ति के लिए, या पर्पस किसी उद्देश्य के लिए। ओके, किसी व्यक्ति के लिए भी करते हैं। देखिए आप कैसे, मैं टहलने के लिए चला गया, आई वेंट फॉर अ वॉक। मैं तुम्हारे लिए आया, आई केम फॉर यू। तो किसी बंदे के लिए के यूज में भी हम कर रहे हैं, पर्सन के लिए। ओके, मैं मदद के लिए गया, आई वेंट फॉर हेल्प। मैं तुम्हारे लिए वापस आ रहा हूँ, आई एम कमिंग बैक फॉर यू। वह मेरे लिए काम करता है, ही वर्क फॉर मी। किशोर यहाँ मदद के लिए आया, किशोर केम हियर फॉर हेल्प। वह अपनी बुरी आदतों के कारण बीमार पड़ जाएगा, ही विल सफर फॉर हिज बैड हैबिट्स। ये खिलौने बच्चों के लिए हैं, दीज टॉयज आर फॉर चिल्ड्रन। के लिए के सेंस में कर रहे हैं फोर का यूज इस समय। ओके, देखिए, तुम्हारे लिए मेरे पास एक प्रस्ताव है, आई हैव अ प्रपोजिशन फॉर यू। मुझे अपने परिवार के लिए खाना बनाना पसंद है, आई लव कुकिंग फॉर माई फैमिली। मैं ये अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, आई एम डूइंग दिस फॉर माई फैमिली। अब देखिए फोर का प्रयोग समय अवधि के लिए और तक या से के सेंस में करेंगे। ओके, वे लोग 1 महीने तक गांव में थे, दे वर इन द विलेज फॉर अ मंथ। वह 3 महीने तक दिल्ली में रह रहे थे, रह रहा था कह सकते हो। ओके, ही वॉज लिविंग इन दिल्ली फॉर 3 मंथ। मैं 1 घंटे तक तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आई हैड बिन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर। मैं 2 घंटे से यहाँ पर हूँ, आई एम हेयर फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे तक यहाँ पर था, आई वॉज हेयर फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। अभी आप लोगों को कंफ्यूजन दूर करता हूँ, तक और से में। ओके, मैं 2 घंटे तक तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आई वॉज वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। वह
वहां 1 घंटे तक रहेंगे। वी विल स्टे देयर फॉर एन आवर। मैं यहाँ सिर्फ 1 घंटे तक काम करूंगा। आई विल वर्क हेयर फॉर जस्ट एन आवर। मैं इस कंपनी में 2 साल तक काम किया। मैंने इस कंपनी में 2 साल तक काम किया। आई वर्क इन दिस कंपनी फॉर 2 ईयर्स। या हम कह सकते हैं मैंने इस कंपनी में 2 साल के लिए काम किया। ओके, इस कंपनी के लिए। और या हम कह सकते हैं 2 साल तक, तो एक ही चांस है। ओके, जैसे कि देखिए, एक सेंटेंस लेते देखिए। मैं 2 घंटे से यहाँ पर हूँ। आई एम हेयर फॉर 2 आवर्स। और ये क्या है, मैं 2 घंटे तक यहाँ पर था। आई वॉज हेयर फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ तक का सेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पास्ट में है। आई वॉज हेयर फॉर 2 आवर्स और आई एम मैं 2 घंटे से यहाँ पर हूँ, इसलिए यहाँ पर से का सेंस आ रहा है क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है, फोर से। ओके, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, देखिए फोर का प्रयोग कॉस्ट के लिए, मे तक का की के सेंस में। मैंने ये टॉफी 1 रुपए की खरीदी। आई हैव बॉट दिस कैंडी फॉर 1 रुपी। मैंने ये बाइक 55,000 रुपए की खरीदी। आई बॉट दिस बाइक फॉर 55,000 रुपीज। मैंने ये किताब 30 रुपए में खरीदा। आई बॉट दिस बुक फॉर 30 रुपीज। मैंने ये कार 5 लाख में खरीदा। आई बॉट दिस कार फॉर 5 लैक्स। तो आपने देखा, कॉस्ट के लिए भी हम जब फोर का यूज करता है तो मे का सेंस आता है, तक का सेंस भी आता है। जैसे कि मैंने ये कार 5 लाख तक खरीदा। ओके, या मे खरीदा, या का खरीदा, या की खरीदी। समझ गए, फोर का सेंस, वो फोर को इस सेंस में यूज करते हैं जब कॉस्ट की बात होती है। अब देखिए प्रीपोजिशन नंबर 6, ऑफ एंड ऑफ, दोनों का ही यूज बहुत ही मजेदार। देखिए ऑफ से संबंध का बोध होता है जबकि ऑफ से जुदाई का, जो OFF ऑफ है से जुदाई मतलब अलग होने का बोध होता है। देखिए ऑफ का यूज करते हैं का के की के सेंस में और ऑफ का यूज करते हैं OFF वाले का सी के सेंस में। वह चलती गाड़ी से कूद गया। ही जंप ऑफ द रनिंग ट्रेन। तो पहले गाड़ी पर था, उससे जुदा हो गया मतलब कूद गया, तो हमने ऑफ का यूज किया। देखिए वह इस ऑफिस का कर्मचारी है। ही इज एन एम्प्लॉय ऑफ दिस ऑफिस। ऑफ मतलब कि वह इस ऑफिस का उसका संबंध है कि वो कर्मचारी है इस ऑफिस का। ओके का आज वह ऑफिस से बाहर है। टुडे ही इज ऑफ ऑफिस मतलब कि आज वो ऑफिस से बाहर है या छुट्टी पर है। ऑफ है मतलब कि ऑफिस से एकदम जुदा है। अब देखिए ऑफ वाले एग्जाम्पल, राम का भाई ब्रदर ऑफ राम, राम की बहन सिस्टर ऑफ राम, मेरे दिल की बात फीलिंग्स ऑफ माई हार्ट, उसके पिता की आवाज़ द वॉइस ऑफ हिज फादर। तो यहाँ का के लिए हम ऑफ का यूज करेंगे। देखिए लड़कों का कॉलेज द कॉलेज ऑफ बॉयज ऑफ द बॉयज। ओके, बच्चियों के घोंसले द नेस्ट ऑफ द बर्ड। आदमियों की जीन्स द जीन्स ऑफ मैन। मेज का रंग द कलर ऑफ द टेबल। घर का दरवाजा द डोर ऑफ द हाउस, द डोर ऑफ द हाउस है। ओके, खिड़की का कांच द ग्लास ऑफ द विंडो। किताब का कवर द कवर ऑफ द बुक। दरवाजे की घंटी द बेल ऑफ द डोर। ऑफ का प्रयोग इस प्रकार से भी किया जाता है, जैसे यू ऑल मतलब आप सभी, ऑल ऑफ यू। ओके, ऑल ऑफ यू, यहाँ पर देखिए ऑफ का यूज कर रहे हैं, ऑल ऑफ यू आप सभी। दोनों का ही मीनिंग सेम है, यू ऑल या ऑल ऑफ यू, दोनों का ही मीनिंग सेम है, आप सभी। देखिए लिस्ट है, यू ऑल या ऑल ऑफ यू, तुम सब या आप सभी, एनी ऑफ यू तुम में से कोई, यू बॉथ या बॉथ ऑफ यू तुम दोनों, वन ऑफ यू तुम में से कोई एक, दे ऑल या ऑल ऑफ देम मतलब वे सब, वी ऑल या ऑल ऑफ अस हम सब, वी बॉथ या बॉथ ऑफ अस हम दोनों,
दीज ऑल या ऑल ऑल ऑफ दीज ये सभी, दोज ऑल या ऑल ऑफ दोज वो सभी, नन ऑफ यू तुम में से कोई नहीं, इस प्रकार से हम ऑफ का यूज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, उसने हमेशा अमीर और मशहूर होने का सपना देखा। He always dreamed of being rich and famous. राधा की आवाज बहुत मधुर है। The voice of Radha is very sweet. मेरे बॉस की पत्नी गुस्से वाली है। The wife of my boss is short-tempered. तुम्हारे फोन की आवाज सुनाई नहीं देती है। The sound of your mobile is unaudible. इनऑडिबल है। मुझे 50% का डिस्काउंट मिला। आई गॉट डिस्काउंट ऑफ 50%। वे सब के सब यहाँ नहीं है। ऑल ऑफ देम आर नॉट हेयर। ये पानी का ग्लास है। दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर। हम सभी कहीं जा रहे हैं। ऑल ऑफ अस आर गोइंग समवेयर। तुम दोनों ने ये जानबूझकर किया। Both of you did this knowingly. तुम सब यहाँ आओ। All of you come here. उन दोनों ने ये अनजाने में किया। Both of them did this unknowingly. मैं 25 किलो वजन उठा सकता हूँ। I can lift 25 kilograms of weight. Okay? मुझे इंग्लिश किताब पढ़ने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग इंग्लिश बुक। उसका चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है। हिज फेस रिमाइंड्स मी ऑफ समवन। ये एक प्रेम कहानी है। दिस इज अ स्टोरी ऑफ लव। वह हमारी कंपनी का मैनेजर है। ही इज अ मैनेजर ऑफ आवर कंपनी। मुझे 2 किलो चावल चाहिए। आई वॉन्ट 2 kilograms ऑफ राइस। मुझे 1 गिलास पानी चाहिए। आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। आपका काम उसकी देखभाल करना है। योर जॉब इज टू टेक केयर ऑफ हिम। ये ग्लास पानी से भरा हुआ है। द ग्लास इज फुल ऑफ वाटर। तुम्हें पैसे उधार देना मेरी नासमझी थी। It was unwise of me to lend you money. सफलता का रहस्य क्या है? What is the secret of success? किताब के कुछ पन्ने फटे हुए हैं। Some pages of this book are torn. Okay? तो इस प्रकार से हम of का यूज करते हैं। अब देखिए of मतलब O double F of वाला। Okay? किसी चीज से अलग होना या सतह छोड़ना। पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं। लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। मतलब पत्ते जो पेड़ पर लगे हैं वो उससे अलग हो रहे हैं, वो गिर रहे हैं। ओके। बिल्ली छत से कूद गई। बिल्ली छत पर थी, वहां से कूद गई, वहां से जुदा हो गई, वहां से हट गई। ओके। द कैट जंप ऑफ द रूफ। इसलिए हम ओ डबल एफ ऑफ का यूज कर रहे हैं। टेबल से कप हटा दो। मूव द कप ऑफ द टेबल। वह सीढ़ियों से गिर गया। He fell off the ladder. वह छत से गिर गया। He fell off the roof. लाइट बंद कर दो। स्विच ऑफ द लाइट। मतलब जो करंट होता है स्विच में, जब हम उसे ऑफ करेंगे मतलब उस परत को हटा देंगे करंट वाले, तो ऑफ हो जाएगी लाइट। ओके। तो इसलिए कहते हैं कि सतह से हट जाना, किसी चीज से जुदा हो जाना। बंदर पेड़ से कूदा। मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री। मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ। आई एम वाइपिंग ऑफ द स्क्रीन। अब देखिए नंबर 8 यूज ऑफ ऑन। ऑन का यूज भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लोगों को जानना जरूरी है। देखिए ऑन का प्रयोग स्पर्श करते हुए पर के रूप में, स्पर्श करते हुए मतलब छूते हुए किसी निश्चित जगह के लिए करते हैं। जैसे ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, वह कुर्सी पर बैठा है। A cap is on his head. उसके सिर पर टोपी है। He sat on the bench. वह बेंच पर बैठ गया। He stands on the mountain. वह पहाड़ पर खड़ा है।
एग्जाम्पल देखिए, ऑन अ मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल पर, ऑन अ मोटर बाइक पर, ऑन अ बस बस पर, ऑन अ ट्रेन, ऑन टेलीविजन टेलीविजन पर, ऑन रेडियो रेडियो पर, ऑन सेलिंग छत पर, ओके सेलिंग, और ये ऑन द डोर दरवाजे पर, ऑन द फ्लोर फ्लोर पर, ऑन द लेफ्ट लेफ्ट पर, ऑन द राइट ऑन द टेबल एटीसी, ओके। अब देखिए, डे और डेट से पहले भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं, जैसे ही विल गो टू हिज विलेज ऑन मंडे, वह सोमवार को अपने गांव जाएगा। वी प्ले ऑन संडे, हम रविवार को खेलते हैं। को के सेंस में कर रहे हैं हम ऑन का यूज, ओके। ही विल गो टू हिज विलेज ऑन 2 फरवरी, वह 2 फरवरी को अपने गांव जाएगा। इसी प्रकार से ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूजडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे इटीसी, ओके। इसी प्रकार से ऑन 15 अगस्त, ओके, या ऑन 1 जनवरी, ऑन 2 जनवरी इटीसी। पूरा स्पेशल प्लेस और अ सेट प्लेस, कोई खास या निश्चित जगह हो या जाना हो तो उसके लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं। देखिए, वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक, हम पिकनिक पर जा रहे हैं। पर के सेंस पर करेंगे यहाँ पर, देखिए ऑन का यूज। आई वॉन्ट टू गो ऑन द ट्रिप, मैं यात्रा पर जाना चाहता हूँ। आई डू नॉट वॉन्ट टू गो ऑन द रूफ, मैं छत पर नहीं जाना चाहता। वट इज रिटन ऑन दिस कार्ड, इस कार्ड पर क्या लिखा है? किसी खास दिन या त्योहार पर हम गॉन का यूज करते हैं। देखिए, जैसे कि आई विल गो टू द विलेज ऑन दिस दिवाली, मैं इस दिवाली गांव में जाऊंगा। मे या पर के सेंस में, ओके। आई गॉट अ लॉट ऑफ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, मेरे जन्मदिन पर मुझे बहुत सारे उपहार मिले। आई विल गो टू द विलेज ऑन होली, मैं होली पर गांव में जाऊंगा या गांव जाऊंगा। वी ईट स्वीट ऑन दिवाली, दिवाली पर हम मिठाई खाते हैं। ऑन दिवाली वी ईट स्वीट, इस प्रकार से भी कह सकते हैं, दिवाली पर हम मिठाई खाते हैं। अब देखिए, यूज ऑफ एट, एट का यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, छोटे इलाकों या कॉलोनियों के साथ। आई लिव एट लक्ष्मी नगर, छोटे इलाकों या कॉलोनियों के साथ, बड़े नगरों के साथ हम इसे नहीं जोड़ते हैं या देशों के साथ एट का यूज नहीं करते, ओके। देखिए, मैं लक्ष्मी नगर में रहता हूँ, आई लिव एट लक्ष्मी नगर, ओके। ही लिव एट गणेश नगर, वह गणेश नगर में रहते हैं, रहता है, ओके, रहता है ये लिखा है रहते, लेकिन रहता है क्योंकि ही का यूज हो रहा है, ओके, सिंगुलर का। ही लिव्स एट गणेश नगर इन दिल्ली, वह गणेश नगर में, दिल्ली में रहता है। तो यहाँ पर देखिए, ही लिव्स एट गणेश नगर मतलब कि छोटा इलाका जो है वो क्या है, गणेश नगर, और इन दिल्ली मतलब दिल्ली जो है वो एक पूरा शहर है, इसलिए हमने इन का यूज किया दिल्ली से पहले, दिल्ली के लिए, ओके, दिल्ली में। लिव एट लक्ष्मी नगर इन दिल्ली, मैं लक्ष्मी नगर में दिल्ली में रहता हूँ। देखिए, सेकंड यूज, निश्चित समय से पहले। ही गेट्स अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, ओके, इनका यूज कर रहे हैं, जबकि एट यहाँ पर है। इन द मॉर्निंग ये तो एक फ्रेज है, ओके, एट 6 o'clock निश्चित समय के लिए हम यूज कर रहे हैं एट का। वह सुबह 6 बजे उठता है। आई गेट अप 5 o'clock, मैं 5 बजे उठता हूँ। आई गो टू बेड एट 11 o'clock, मैं 11 बजे बिस्तर पर चला जाता हूँ। शी विल कम हेयर एट 5 PM, वह यहाँ 5 बजे आएगी। पूरा स्पेसिफिक प्लेस अ पॉइंट, किसी विशेष स्थान या बिंदु के लिए। देखिए, आई एम एट माई होम, मैं अपने घर पर हूँ। ही इज एट द बस स्टॉप, वह बस स्टॉप पर है। आई सॉ योर फादर एट द हॉस्पिटल, अस्पताल पर मैंने आपके पिता को देखा।
ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, वह दरवाजे पर खड़ा है। इसी प्रकार से देखिए एट द एयरपोर्ट कह सकते हैं, एट एट होम, एट द कॉर्नर, एट द बट बॉटम, एट द सेंटर, एट द हॉस्पिटल, एट द मॉल, एट स्कूल, एट एट द स्टेशन, एट कॉलेज, एट द थिएटर, इटीसी। ओके, किसी निश्चित स्थान के लिए एट का यूज करते हैं। देखिए किसी वस्तु को देखने के लिए भी हम एट का यूज करते हैं। देखिए लुक एट दिस वॉल, लुक एट दिस, एट दिस, इस दीवार को देखो। लुक एट दैट कार, उस कार को देखो। ओके, अब देखिए मिड नाइट या नून के साथ भी एट का प्रयोग करते हैं। देखिए सी केम एट नून, वह दोपहर में आई थी। स्लीप्स एट मिड नाइट, वह आधी रात को सोता है। किसी चीज में अच्छा या कमी बताने के लिए क्या यूज करते हैं। ही इज गुड एट मैथ, वह गणित में अच्छा है। शी इज पुअर एट साइंस, वह विज्ञान में खराब है। ओके, रेट या दर बताने के लिए हम एट का यूज करते हैं। देखिए द ऑरेंजेस आर सेलिंग एट अ हाई रेट, संतरे काफी महंगे बिक रहे हैं। ही गॉट अ पेन एट 20 रुपीज, उसे वह पेन 20 रुपए में मिला। राइस सेलिंग 10 रुपीज पर किलोग्राम, चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम बिकता है। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफी लॉन्ग हो गई, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और इसके सेकंड पार्ट के लिए आप लोग जरूर कमेंट करें, जो कि मैं आगे भी इसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट छूट गए हैं वो भी कवर कर सकूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना, इसलिए आपको आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाता हूँ। आप लोग ही मेरी सपोर्ट कर सकते हैं और आप लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है, प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करते रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह तक फैलाएं, जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं उन लोगों तक जरूर ये वीडियो पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।